हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे यूट्यूब पे और लेकिन वो मैं उसमें बहुत सारी उलझन होती है। मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरिटी से बिल्कुल शॉर्ट में एक ही बार में बता दूंगा और हमेशा के लिए सीख जाओगे। बस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करना। देखना, 1 से 10 तक के वर्ग लिख लेते हैं अपन और मैंने 4 संख्या लिखी यहाँ पे, 1, 2, 3 4 संख्याओं का वर्गमूल बताऊंगा, आप इससे सीख जाओगे। 3 संख्या का, 4 संख्या का, 5 संख्या का और 5 संख्या का डबल ले लेंगे। देखना, कुछ भी मत करना, 1 से 10 तक के वर्ग याद होना चाहिए आपको, 1 से 10 तक के वर्ग लिख लेना। अपने को 729 का वर्गमूल निकालना है, 729। अब 729 वर्ग वाली संख्या है, घात दो वर्ग का मतलब होता है घात दो। वर्गमूल निकालना है, दो संख्या के जोड़े बनते हैं, स्टार्टिंग में दो और बच कितना रहा, 1। तो अब देखना है इसका इकाई अंक, वर्ग वाली संख्या ये क्या है वर्ग, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्ग वाली संख्या का इकाई अंक किस किस का, 9 है, ध्यान में देखना। एक तो 3 का आ रहा है 9, उसके बाद किसका आ रहा है, 7 का आ रहा है ना। एक तो 3 होया और 1 7 होया। अब उसके बाद जो संख्या बच रही 7, अब 7 को देखना है किसी संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए चाहे तो वर्ग वाली संख्या से। तो यह 2 का वर्ग 4 है और 7 2 का 4 और 9, तो 4 और 9 के बीच में है, तो छोटी वाली संख्या लेना है, बड़ी वाली संख्या मत लेना क्योंकि अधिक नहीं लेते अपन। तो 4 लेंगे, तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो वहाँ वर्गमूल वाली संख्या लिखेंगे 2। अब देखना है 23 और 27 में चुनाव करना है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से रखना। इन दोनों में 5 वाली इकाई अंक, 5 वाली संख्या कौन सी है, 25। तो अपन 25 का वर्ग निकाल लेंगे एकाधिकयन पूर्वण विधि से, 25 और 2 का एक अधिक कितना हुआ, 3, 3 × 2 = 6। 625 से अधिक है कि कम है, 625 से अधिक है तो बड़ी वाली संख्या इसका वर्ग होगी, और अगर 625 से कम होता तो छोटी वाली संख्या होगी। तो 625 से 729 अधिक है तो इसका वर्गमूल क्या होगा आपका, 27। ठीक, आइए अपन और संख्या में प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी संख्या अपनी 23 04, तो अपन यहां भी दो संख्या लेंगे और इधर भी दो संख्या है। अब देखना 4 इकाई अंक किन किन संख्याओं का, 4 है, तो 2 का होगा एक, तो उसके बाद 8 का हुआ है। एक अब अपने को करना है 23, तो 23 किसके वर्ग के आसपास है, तो एक तो 25 और 16, तो छोटी वाली संख्या लेना है 4, तो यहाँ करेंगे 4 और यहाँ भी कितना जाएगा, 4। अब इन दोनों के बीच में इकाई अंक 5 वाली संख्या कौन सी, 45, 45 का वर्ग निकालेंगे अपन, 45 × 45 25 और 5 = 20। अब 20 25 से ये अधिक है कि कम है, 23 04, तो अधिक है, तो अधिक है मतलब 48 का वर्ग होगा, तो इसका वर्ग मूल क्या है, 48। अब 116 25 का हम तीसरी संख्या को निकालेंगे, ध्यान देखना सीखते जाओगे, 116 64। ठीक, अपन लेंगे फिर दो संख्या, अब 3 बज गई, 3 संख्याओं का ध्यान देखना, दो संख्या इधर कितनी बज गई, 3, तो दो संख्या का इकाई अंक 4 है, तो यहाँ किसका इकाई अंक 4 है, तो 2 का और 8 का। ठीक, अब 2 का और 8 का है, अब यहाँ देखना यहाँ कितना है, 116, 116 किसके वर्ग के आसपास है, देखना 10 के, 10 का वर्ग कितना होता है 100, 11 का वर्ग 121 ज्यादा हो जाएगा, तो अपन कितना लेंगे 10, तो यहाँ भी 10 लिखेंगे और यहाँ भी कितना लिखेंगे 10। अब 105 का वर्ग निकालेंगे इन दोनों में, तो अपना 105 का वर्ग कितना जाएगा, 105 × 105 25, 10 का एक अधिक होगा 11, 11 का 110, 110 25 से कम है कि अधिक है, अधिक है ना, तो ये किसका हो जाएगा, 108 का, तो ये किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या हुआ, 108। अब ध्यान देखना अपन करेंगे 193 21 का, अब आप कर सकते हो 193 21, एक किसका इकाई अंक है, 1 का और 9 का। अब ये तो अपना हुआ 2, 193 बचा, अब 193 होगा 13 का 169 और 14 और 196 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे अपन 13 और यहाँ भी क्या लिखेंगे 13। अब देखना अपन 135 का निकालेंगे इन दोनों के बीच में, तो 135 × 135, 135 का 5 25, 13 का गुणा करेंगे 14 में, तो ये 14 हुआ, 14 42, 14 × 14 = 18, 182 25 से ज्यादा है, 18225 से 19000, तो ये इसका वर्गमूल क्या हुआ, 139। ठीक, उम्मीद है आप सीख गए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी का वर्ग लिखना है 1 से 10 तक का, उसमें आप इकाई अंक देखना है, जोड़े बनाना है 2 के, फिर बचे जो संख्या छोड़ देना, 2 के जोड़े बनाना है 9, तो 9 किसका है, 23 का और सॉरी 3 का और 9 किसका, 7 का है ना। अब उसके बाद ये 7 है तो छोटी वाली संख्या लेते हैं, बड़ी वाली नहीं, तो 4 और 9 के बीच में छोटी वाली संख्या ले लिया अपन, 2 23। अब इन दोनों के बीच में 25 का निकालेंगे, 625, 625 से 729 अधिक है, तो वह 27 वाला, और कम होता तो 23 आंसर हो जाता है। ठीक, तो
इकाई अंक का झंझट सब झंझट खत्म। आपको क्या करना है, इसे सरीका है, सबसे सरल तरीका है। उम्मीद है आपको पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करें और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, स्वयं कर सकते हो, जितना चाहो उतना वीडियो सवाल कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही सीखोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख सके। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको 3 सवाल दे रहा हूँ, उनका वर्गमूल आपको निकालना है इस तरीके से, ठीक है। तो एक हो गया अपना 676, दो हो गया आपका 7056 और तीसरा हो गया आपका 1264, ठीक। अब इन 3 संख्याओं का वर्गमूल आपको मैंने जो बताया उस हिसाब से हल करके आपको बताना है, ठीक है।